भाई एवं बहनों, आप सबों को मेरा जोहार। आज हम सब देशवासी आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला है, जिससे मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। देश के क्रांतिकारियों और बलिदानियों की याद में इस समारोह में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि देश के आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष की कोई नहीं भूल सकता। आज़ादी के लड़ाई में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को हम सब के तरफ से नमन है। देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम प्राण की आहुति देने वाले वीर शहीदों के नाम सवर्ण अक्षरों में अंकित है। भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद सिद्धू कान्हू, नीलांबर पितामर, तिलका मांझी शहीद, टाना भगत आंदोलनकारी प्रमुख रहे हैं। इस आज़ादी के लड़ाई में ना जाने कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितनी सुहागनियों का सिंदूर मिट गया, कितने मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। आज का दिन अपनी जान के बाजी लगाने वाले भारत माता के सपूतों को याद करने का दिन है। आज के इस पावन बेला में उन्हें शत शत नमन करता हूँ। आज उन हजारों वीर बलिदानियों के सपनों को साकार कर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आज हमारा देश COVID-19 जैसे महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी से निपटते हुए राज्य में स्थिति को समान बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। झारखंड सरकार ने इस चुनौतियों को समान सहायता से किया है और एक साथ कई योजनाओं शुरू की गई है। देश भर में फंसे श्रमिकों को वापस लाने एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने और गरीबों को भूख से बचाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किया गया है। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बाहर रखने के लिए नई नीतियां बनाई गई है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। बिरसा हरित क्रांति ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद फोटो हो जैसे खेल विकास महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की गई है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत सड़क किनारे सरकारी भूमि, गर्मजरवा भूमि और व्यक्तिगत भूमि पर भी फलदार पौधा लगाने की योजना है। इसमें 70% फलदार एवं 30% इमारती पौधे का प्रावधान है। वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखार और उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत जिला भर में प्रखंड स्तर पर खेल के मैदान का निर्माण किया जाएगा एवं खेल के विकास के लिए मेगा पार्क एवं इंडोर स्टेडियम जिला में बनाया जाएगा। 2020-21 में हो रहे टोक्यो ओलंपिक खेल में सलीमा टेटे और निकी प्रधान ने झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे भारत का नाम रोशन किया है। राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करने का काम किया है। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना का उद्देश्य राज्य के वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में वृद्धि करना, मजदूरों के लिए मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन किया जाएगा। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में आवश्यकता अनुसार योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के किरण पहुंचाना है, जिसके लिए नई सरकार गठन के बाद ही कई योजना प्रारंभ किया गया है। COVID-19 के कारण इन योजनाओं में क्रियान्वयन में थोड़ी मुश्किलें जरूर आई है, लेकिन उम्मीद है कि स्थिति समाप्त होते ही इन योजनाओं का क्रियान्वयन की रफ्तार बढ़ेगी। चतरा जिला अंतर्गत लगभग 3 लाख परिवारों को COVID-19 का टीकाकरण किया गया है। कोविड महामारी को लेकर जिले में
3 ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है तथा बच्चों के लिए 20 बेड का आईसीयू बनाया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर राज्य सरकार ने APL परिवारों को गंभीर बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये इलाज के लिए दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कृषि योजना के अंतर्गत जिला के किसानों को 50,000 रुपया तक के प्रत्येक किसानों को KCC ऋण माफ किया गया है, जिसमें 12,250 किसानों का लाभ मिला है और इस वित्तीय वर्ष में 5,200 किसानों को 8 करोड़ रुपया ऋण वितरण किया गया है। 2021-22 भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा 50 बड़ा तालाब का निर्माण कराया जाएगा एवं छोटे 90 तालाब निर्माण कराया जाएगा। 90 डीप बोरिंग किसानों के लिए भी किया जाएगा। महिला मंडल के बीच 25 ट्रैक्टर का वितरण किया गया है। छात्रवृत्ति के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक सभी छात्र छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति दी जा रही है। 39,000 छात्र छात्राओं के बीच 5 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 6,000 आवासों का कार्य प्रारंभ किया गया है। जिला में राशन कार्ड से वंचित परिवारों को 90,000 राशन कार्ड वितरण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जल संकट को देखते हुए प्रत्येक पंचायत में 5-5 चापाकल लगाया गया है 770। राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को सोना सुभ्रम योजना के अंतर्गत लुंगी धोती और साड़ी का वितरण किया जाएगा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से निबंधित श्रमिकों को पैंट शर्ट और साड़ी वितरण किया गया है। जिला में 53,000 श्रमिकों को लाभ दिया गया है। रोजगार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत श्रमिकों एवं श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जाएगा। विकास के लिए कई योजनाएं हैं। क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए जिले में 3 ITI कॉलेज का स्थापना की जाएगी। चतरा हंटरगंज प्रतापपुर जमीन उपलब्ध कराया गया है। भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। टांडवा में NTPC मगध अम्रपाली अशोका पिपरवार कोलवरी में शिक्षित या शिक्षित बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। मयूरहंड प्रखंड